अस्सलाम वालेकुम, किचन विद अल्लामा नाम है, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देसी घी। देसी घी बनाने के लिए मैंने ये बनाई ली है। इसको मैं चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी। ये देखिए हमारी मलाई जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें हाफ प्याली जो है वो दही की डालूंगी। ये देखिए हाफ प्याली दही की डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो पूरी रात के लिए और नाइट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मियां हैं तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर सर्दियाँ हों तो इसको वैसे ही बाहर रख सकते हैं। देखिए मैं घर में आपको बड़े इजीली सिखाने लगी हूँ, तो इसको घर में आप आसानी से बना सकती हैं हैंड की मदद से। तो ये मैंने मदानी के साथ इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। इस तरह से इसको घुमाते जाएं। इतना इसको घुमाना है कि ये जो इसका है मक्खन वो सारा यकजान हो जाए। ये देखिए मैं इसको अभी मुसलसल हिला रही हूँ। इसको इतना हिलाना है कि ये जो सारा मक्खन है वो एक यकजान हो जाए। ये देखिए ये अब बन रहा है। अब इसकी जो लस्सी है वो अलग होना शुरू हो जाएगी। तब तक इसको ऐसे ही मदानी की मदद से बनाते जाए। ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए मदानी से अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये तकरीबन तैयार है। अब इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी। ये देखिए 2 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी इसमें ठंडा डालना है। सर्दियों में जो है वो आप नॉर्मल पानी यूज़ करें और गर्मियों में जो है वो ठंडा पानी डालें। तो मैंने इसमें ठंडा पानी शामिल कर दिया है। अब इसकी जो लस्सी है वो अलग हो जाएगी और जो मक्खन है वो एक साइड पे अलग हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं तो ये देखिएगा ये एक जगह यकजान हो जाएगा। देसी घी बनाना बहुत ही आसान है। घर में आसानी से आप बना सकते हैं हाथ की मदद से, और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इसको जाग लगा के बनाएंगे ना तो ये एक तो बहुत ज़्यादा घी निकलेगा और दूसरा ये कि ये वेस्ट नहीं होगा। मलाई जो है वो अगर हम जाग लगा के बनाते हैं तो बहुत अच्छे से देसी घी निकलता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और मक्खन बड़ा अच्छा इसका अलग हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से ये जो मक्खन है वो अलग हो रहा है और जो लस्सी है वो अलग हो रही है। अब इसमें इस बात का ध्यान रखें अगर फिर भी मक्खन अलग नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी गर्मियों के लिए है। सर्दियों में इसका तरीका और होता है। मैंने इसको जाग लगाया था बिल्कुल नीम गर्म करके, और सर्दियों में जो है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करते हैं फिर जाग लगाते हैं। ये देखिए अब मैं इस पर थोड़ी सी बर्फ़ डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। ये देखिए मक्खन हमारा बन गया है। अब जो इसकी लस्सी है उसको मैं अलग अलग बाउल में डालूंगी।
ये देखिए मक्खन हमारा बन गया था। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। अब ये थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसको मैं चम्मच की मदद से हलाती जाऊंगी और जब तक घी नहीं निकलता। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो घी है वो पकना शुरू हो गया है, जो हमने बनाया था वो मेल्ट हो गया। अब मैं इसको तेज आंच पे ही पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो घी है वो अलग होना शुरू हो गया है। अब जो इससे मैंने लस्सी निकाली थी उसको भी आप वेस्ट ना करें, उसको मैंने फ्रिज में रख लिया है और उसको मैं कड़ी में इस्तेमाल करूँगी। कड़ी की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही पोस्ट करूँगा। फाइनली ये देखें हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक डिब्बे में निकाल लूँगी। देखा आपने कितना आसान है और बहुत ईजीली आप खुद बना सकती हैं। ये देखिए जो मैंने घी निकाला था इसको मैंने साफ डिब्बे में निकाल दी। इस बात का ध्यान रखें कि जो डिब्बा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो। मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।